गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इंटीग्रेशन ही कंटिन्यू करते हैं राजे। आप लैक्चर फस्ट हो गया जिद तो सिंपल दस इंटीग्रेशन किमें करनी है राजे। 19.1 एक्स है जी आरडी शर्मा की खत्म हो गई थी थोड़ी, हूँ अज आप 19.2 के कुछ सम लिते हैं राजे, भी सिंपल ही ने उसी तरह ही है, बस थोड़ी जी रीअरेंजिंग करिए। तो सब तो पहला फिर 4x की 5 आप 4 की है कॉन्सटेंट उन्होंने बाहर कर लिया, एक्स की 5 अंदर आ गया, एक्स की 5 का इंटीग्रेशन की होगा एक्स की पावर n+1/(n+1) राजे, प्लस की ला देंगे सी, ये तो फर्स्ट वन से बिल्कुल सिंपल जा। नैक्सट 3 की पावर x+2 का वैसे दो तरीके ने, इस तो अगले एक्सरसाइज के भी सिखावे, बट उरे की किया 3 की पावर x, 2 की पावर 2 राजे, मतलब अपने को बेस सेम होने पावर एड होंगे, 2 की पावर 2 अपना 9 3 की पावर 2 3 राजे, 3 की पावर 2 अपना 9 रख लिया, तो 3 की x अंदर ले गए, तो 3 की x का फार्मूला कड़ा लग गया उरे a की पावर x का, a की पावर x लोगी ए प्लस सी ए हो गया राजे। सिमिलरली आह x³ + 5x² + 4x + 1 / x² पहले आप किया कले कले ओवर इनू इधे ओवर तो की बनूगा, इनू इधे ओवर करा x बचूगा, उरे करा 5 बचूगा, उरे करा 4/x इधर 1/2, फिर कले कले इंटीग्रेशन इधे भी आ जाती, तो एक्स का इंटीग्रेशन तुम्हें पता ही है x² / 2 आ 5 पहले कॉन्स्टेंट बार कर लिया, अभी 4 कॉन्स्टेंट बार कर लिया, x² पहले मैं ऊपर लेके आ x ऊपर लेके नहीं जाऊँगा क्योंकि x^1 है, तो x^1 का अपना इंटीग्रेशन पता है, फिर मैं आ रहा x² / 2 बन गया, 5x बन गया, 4 log x बन गया, इधर x^-1/-1 प्लस सी बन गया, तो आज को आंसर आ गया। ठीक है जी, पहले सिंपल करके कले कले इंटीग्रेशन करते। सिमिलरली √x+1/x² और a+b² का फॉर्मूला आया, a² + b² + 2ab, फिर कले कले इंटीग्रेशन x² / 2 log x + 2x + c बन गया। ठीक है जी, फिर उरे सीगा a+b² a² + b² + 2ab नीचे √x सीगा, फिर मैं इनू कले कले ओवर किया एवं 1/√x 2√x x³, फिर मैं अलग अलग कले कले इंटीग्रेशन बिल्कुल स्टेप बाई, फिर कले कले इंटीग्रेशन पाई, पावर्स उपर लेके गया, फिर वही n+1/(n+1) का फार्मूला दे रहे। ठीक है जी, सिंपल ने पहले अपन उपर सोल्व कर रहे हैं, जे स्केयर है जे अपने कोई फार्मूला लग रहा है, फिर उन्होंने कले कले डिवाइड करा रहे हैं, फिर कले कले इंटीग्रेशन। सिमिलरली x³ - x² + x - 1/(x-1) है, तो मैं उपर देख रहा हूँ इधर x² कॉमन निकल रहा है, x-1 + x-1 बन गया, फिर दोनों से x-1 कॉमन निकल रहा है, x² + 1 x-1 की हो गया कैंसल, x² + 1 बच गया, इधर इंटीग्रेशन कल इधर इंटीग्रेशन, तो x³/3 तो x+c बन गया। ठीक है जी, सिमिलरली हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस अपन सिंपलीफाई करते हैं, 1 - sin 2x आ गया, 1 + sin 2 - sin 2x या +sin 2x का कोई फार्मूला होंगे नहीं रहे, 1 + cos 2x तो 1 - cos 2x का होंगे, तो मैं 1 लिख लिया sin² + cos² तो sin 2x लिख लिया 2 sin x cos x। ठीक है जी, तो यह फार्मूला बन गया a² + b² - 2ab की बनया a - b² होल स्केयर, तो स्केयर एंड रूट की हो गया कैंसल, हूँ देखो फिर कले कले इंटीग्रेशन साइन का इंटीग्रेशन से कोस का इंटीग्रेशन। सिमिलरली tan² x का इंटीग्रेशन नहीं होंगे, tan² की एक प्रॉपर्टी होंगी है अपने पढ़े हुई छोटी क्लासेज में, sec²x - 1 उन्होंने पहले कन्वर्ट कर लिया, फिर sec² का इंटीग्रेशन, तो फिर 1 का इंटीग्रेशन करें अपन। सिमिलरली नैक्सट cos²x है, तो नीचे sin²cos² राजे, cos²x के फार्म में 3 होंगे, 2 cos²x - 1 1 - 2 sin²x, 2 cos²x - 1, वो तुम्हें देखना है कि लाना कितना, जे तो नीचे दोनों sin cos है तो cos²x का फार्मूला cos²x - sin²x, इनू भी ये नीचे रखे, इनू भी ये नीचे, तो इधर जो ये नीचे रखे तो cos²cos² कैंसिल हो गया, जो ये कले कले ओवर किया sin²sin², तो 1/sin² बचे, 1/cos² बचे, 1/sin² की बनता है sec², 1/cos² बनता है sec², तो sec का होंगे -cot x, तो सीकण का होंगे tan x, ये तो एक इंटीग्रेशन होगी। सिमिलरली फिर cos²x cos²α, तो नीचे मैं देखना कोस, तो कोस का मैं 3 फार्मूला दस सके, जो उपर नीचे कोस है सारा कोस की फॉर्म से, तो कोस का फार्मूला कोस की फॉर्म से लाना, 2 cos²x - 1 इधर 2 cos²α - 1 रहे, तो -1 - 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉमन निकल जाएगा, cos²x - cos²α जाएगा, तो उस तो बाद 2 उसी तरह a² - b² का फार्मूला आ उपर a - b की हो जाएगा कैंसल, कल a+b बचूगा, फिर इधर इंटीग्रेशन कर ली, इधर इंटीग्रेशन cos x इंटीग्रेशन sin x, तो cos α है, α बाहर कर लियो, कला 1 रह जाएगा, 1 दे इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो जिन्ना सिंपलीफाई होंगे पहले उन्हें सिंपलीफाई करके इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है जी, अब 10 सम सीखे ट्राई कर, 2 सम फॉलो कर लो। नेक्स्ट जिमें 1/(1 + sin x) है राइट,
वन अपॉन वन प्लस साइन एक्स यदा कोई फेयर फार्मूला नहीं होंगे फिर अपन की करेंगे रैशनलाइज वन माइनस साइन एक्स वन माइनस साइन एक्स उपर वन माइनस साइन एक्स मान जो नीचे ए प्लस बी का ए माइनस बी का ए स्केयर माइनस बी स्केयर तो वन माइनस साइन स्केयर के देखो होंगे कोस स्केयर एक्स ठीक है जी फिर वही कल कले दो ओवर इन भी दो ओवर इन भी दो ओवर वन अपॉन कोस स्केयर इधर साइन एक्स अपॉन कोस स्केयर तो वन अपॉन कोस स्केयर के देखो होंगे सीकंड स्केयर आ जाए ठीक है जी उस तो बाद साइन अपॉन कोस टैन होंगे तो एक कोस बचूगा तो सीकंड होंगे तो सीकंड एक्स तो टैन एक्स का इंटीग्रेशन सीकंड एक्स होना चाहिए ठीक है जी सिमिलरली नेक्स्ट वन प्लस कोस फोर एक्स आ गया कोट एक्स माइनस टैन एक्स आ गया तो वन प्लस इन्होंने पहले सिंपलीफाई किया है ये सिंपलीफाई किमें किया मैं तुम्हें दसदा तो उरे अपने को वन प्लस कोस फोर एक्स उसी तो ठीक है जी नीचे कोट एक्स तो टैन एक्स है कोट एक्स में लिख सकते हैं कोस एक्स अपॉन साइन एक्स टैन एक्स लिख सकते अपन साइन एक्स अपॉन कोस एक्स लिख सकते हैं उस तो बाद अपने को वन प्लस कोस फोर एक्स का फार्मूला बन जाओ टू कोस केयर टू एक्स तो नीचे एलसीएम लाँगे यदा कोस केयर एक्स माइनस साइन स्केयर एक्स अपॉन कोस एक्स इंटू साइन एक्स आ गया इस तो बाद आ कोस केयर एक्स तो माइनस साइन स्केयर एक्स उसी तरह रखे आ कोस एक्स तो साइन एक्स उपर चला गया आ बन गया डायरेक्ट तो उस तो बाद मैं की किया हाँ जी आ कोस केयर एक्स तो माइनस साइन स्केयर एक्स ये बनूगा कोस टू एक्स ये बनूगा कोस टू एक्स जो उपर चल जाएगा राजे तो वो कोस टू एक्स बनना कोस टू एक्स में कोस टू एक्स की होजूगा कैंसल आ जरा राजे आह चीज़ है यह बनूगा कोस टू एक्स यह एक नाल एक की होजूगा कैंसल तो आ बचा उस तो बाद आह टू साइन एक्स कोस एक्स की बन गया साइन टू एक्स क्लीयर है किमें आया है सारा फिर अपने देख रहे हैं फिर फार्मूला बन रहा है टू ना मल्टीप्लाई टू ना डिवाइड तो टू ना मल्टीप्लाई तो टू ना डिवाइड कराता यह बन गया साइन फोर एक्स का इंटीग्रेशन की होंगे कोस फोर एक्स राइट उन्हें इंटीग्रेशन में आता पाया क्योंकि जो अपने को देखो ध्यान देखो जो आप साइन फोर एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे तो कोस फोर एक्स आऊगा माइनस अगर आऊगा फिर एंगल का जोड़ा है डेरीवेटिव करके हमेशा डिवाइड से लिखना है याद रखना इंटीग्रेशन के जो आप साइन टू एक्स या साइन थ्री एक्स आ रहा है तो सब तो पहला उसका डेरीवेटिव करता है कोस फिर जोड़ा एंगल का डेरीवेटिव करके आएगा जिम्मे एंगल द्वारा फोर बनना सो नीचे डिवाइड से लिखना डेरीवेटिव से आप मल्टीपल से लिख देना जी ठीक है जी इस तो बाद अपने को आ गया यह टू एक्स प्लस थ्री एक्स अपॉन फाइव एक्स तो इन्हें कल कल की पावर कितनी फिर टू अपॉन फाइव लिख लिया थ्री अपॉन फाइव ए बन गया ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन की ए एक्स अपॉन लोग ए इसी तरह ए एक्स प्लस लोग ए प्लस सी आ गया जी सिमिलरली उन्हें भी उही किया ए प्लस बी की होल स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी नीचे एक्स बी एक्स है फिर कल कल ओवर किया जो जो कटिंग हुआ ए बने अपने को पावर एक्स का फार्मूला ये भी ए की पावर एक्स का फार्मूला उन्हें आ तक फार्मूला ही बन गया सके ठीक ए की पावर एक्स का फिर बी दी फिर टू का कल कल इंटीग्रेशन करके आना पड़ा है ये अपने इस होर कुछ दस फार्म सम ट्राई किए जिन्होंने आप थोड़ा जहा स्प्लिट किया उस तो बाद सिंपल करके इन सोल्व किया तो जी जाए 19.2 एक्सरसाइज है पूरी एग्जाम्पल्स से अपने को एक्सरसाइज करनी है इस तो बाद नेक्स्ट लैक्चर अपने को नेक्स्ट टाइम का होगा थैंक यू।